और लोगों के मफाद उन तक पहुंचा दें. एक्चुअली दिस इज़ वन ऑफ आवर फॉल्ट्स के वी आर लुकिंग फॉर हीरोज. हमारे मेरे ख्याल है जब से इंडियन फिल्में देखनी शुरू की हैं हमें बस आदत पड़ गई है मिरेकुलस हैपनिंग्स की. इस जाहिलाना मूड्स का रुख बदलना चाहिए और हमें ख्याल आना चाहिए कि चाहे कुछ भी हो हमें इतने पस ईमानदारी, अगर आप तसल्ली से सिर्फ ईमानदारी को क्राइटेरिया बना लें किसी बंदे के चुनाव का, तो इंशाअल्लाह ताला अगले इंतखाब में हम चंद एक ऐसे माकूल लोग ले आएंगे जो ना तो इनके पास तसव्वुर है ना ख्याल है, कुछ भी नहीं है. ऑल दे हैव टू डू इज कि जी मुल्क की मफाद में फैसले करें और ज़राए को इखलास और ईमान से इस्तेमाल करें. इस वक्त तो बड़े क्या छोटे क्या करीबन करीबन तमाम लोग ही लगता है कि एक चोरों का टोला आया एक गया और सबों के सब सूफियाने तकद्दस माब की तरह. सर आपकी इजाज़त से दिस इज द लास्ट क्वेश्चन. इंग्लैंड से एक सवाल किया गया है कि आप और आपके शागिर्द जो हैं वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इतना इजहार नहीं करते, आप भी दुरूद शरीफ नहीं देते हैं अपनी तस्बीहात में, अल्लाह से दोस्ती और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का क्या अंदाज होना चाहिए? मेरा तो ख्याल है सामने बैठे हुए लोगों से पूछने चाहिए क्या उनका यही तासरात हैं कि क्या मैं, मेरा ख्याल ये है कि देखो बार का खुदा के साथ तो मैं थोड़ा सा फ्री हो सकता हूँ, उल्टी सीधी बात कर सकता हूँ, अपना दावा सामने रख सकता हूँ, किसी अल्लाह के दावे को चैलेंज भी कर, मेरा उसका एक डील है, मैं उसका बंदा हूँ. अगर वो मुझे अच्छी तरह जानता है तो मेरी कई गुस्ताखियों को भी नज़रअंदाज कर देता है, मगर बाखुदा दीवाना बाशोबा मोहम्मद होशियार कि यही बात मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इतनी एहतियात करनी पड़ती है, ज़ेर व ज़बर की एहतियात करनी पड़ती है कि ये वो शख्स मुबारका. अभी मैंने क्या आपसे कि नफस गुम करदा मी आयत जुनैदो बायज़ी नीजा कि ये अदब गाह मोहब्बत है और यहाँ आके इंसान अपने शरफ को मजरू करता है अगर वो इंसानियत की इस अजीम कदर की हिफाजत और मोहब्बत नहीं कर सकता. तो ये यूँ समझिए कि ख्याल तर्क मोहब्बत तो बार बार आया, ख्याल तर्क मोहब्बत तो बार बार आया, मजाल तर्क मोहब्बत ना एक बार हुई. तो हमारा हाल ये है कि ये जुरत कलाम जो है ना हमें एक बार भी नहीं हुई कि प्रॉफिट के जिक्र करते हुए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारा दिल लरसता है उस एहतराम और अदब से, बिल्कुल उसी तरह जैसे गालिब ने कहा है कि हुजूम शौक से दिल मिसले मौज लरजे है, हुजूम शौक से दिल मिसले मौज लरजे है कि सहबा नाजुको के शीशा नाजुको सहबाए आबगीना गुदाज. मोहब्बत रसूल से दिल इस तरह धड़कते हैं कि जैसे किसी नाजुक से शीशा में एक तेज़ और आबदार शराब लरसती होती है. बड़ा मुश्किल काम है भाई, वो जिसने सवाल किया है गालिबन खुद शायद इस अदब से महरूम ना हो. हमारे यहाँ तो बिल्कुल साफ सी बात है. बाकी रहा तस्बीहात और वज़ाइफ़ में भी अल्लाह ताला ने मुझे पता नहीं कितने सालों से निसफ सदी से ये तौफीक बख्शी है कि मेरी सबसे बड़ी तस्बीहात दरूद की होती हैं, मगर वो खुली डुली होती हैं, आज़ाद होती हैं. जब मैं तस्बीहात की गिनतियों से आज़ाद होता हूँ तो फिर मोहब्बत की यादें आज़ाद कर देता हूँ. तो मेरा ख्याल इकबाल के मैं नात में सिर्फ इकबाल का कायल हूँ. और जैसे अभी मैंने आपको ये शेर सुनाया कि वो दानाए सुबुल खत्म रसुल मौलाए कुल जिसने, वो दानाए सुबुल खत्म रसुल मौलाए कुल जिसने, गुबारे राह को बख्शा फरोगे वादिये सीना, और निगाह किताब इश्क मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरान वही फुरकान वही यासीन वही ताहा, अदब गाहिस्त जेरे आसमां अजना अर्श नाजुक तर नफस गुम कर दमी आयत जुनैदो बायज़ीदीन जा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम. बहुत शुक्रिया प्रोफेसर फॉर वंडरफुल सेशन. आखिर में दुआ करवा दीजिए.
Ya Rahman Rahim, Ya Rahman Rahim, Ya Rahman Rahim, Ya Zal Jalal wal Ikram, Ya Zal Jalal wal Ikram, Ya Zal Jalal wal Ikram. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Allahumma inna as'aluka bi annaka antal awwal ahad as-samad allazi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma inna as'aluka bi anna laka alhamdu la ilaha illa anta wahdaka la sharika laka al-hannan al-mannan wadiyu as-samawati wal ardi ya zal jalali wal ikram wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa huwa ar-rahman ar-rahim Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum alif lam mim Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum Allahu 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 la ilaha illa huwa ar-rabbul azim dua mang lijiye Allahumma ajalni saburan wa ajalni shakun wa ajalni fi aini saghiran wa fi ayunin nas kabira Allahumma aina ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatik Allahumma inna as'aluka al-afwal afiyata Allahumma ahsin aqibatana fil umur kulliha wa ajirna min khisr dunya wa azab al-akhirat Allahumma inna a'udhu bika min al-baras wal junun wal juzam wal sayyil askam Allahumma ij'al awsa rizqika alayya inda kibra sinni wa innaka inda kibra inqita'i umri Allahumma inna as'aluka min fazlika wa rahmatika fa innahu la yamlikuha illa anta Allahumma rabban nabiyyi Muhammadin ighfir li zambi wa zahab ghayza qalbi wa ajirni min muzillati fitani ma yashtana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidul majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidul majid Allahumma salli alayhi kama zakarahu zakaruna Allahumma salli alayhi ghafalan zikrihu ghalib Thank you very much. Bahut shukriya sab logon ka for a patient hearing. Khane ke liye. निकाह है करम हो
हजूरा